हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। कोरोना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो तो आप लोग को पता ही है कि कोरोना बहुत बढ़ गई है। और आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। मैं भी सुरक्षित हूँ, अच्छी हूँ, गाँव में हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो आज है रामनवमी है आज, तो आज के दिन क्या बनती है हमारे घर में, तो वही मैं आप लोग को दिखाऊंगी और खिलाऊंगी भी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो आप लोग भी बताइएगा कि अपने घर में क्या क्या बनाए हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज मेरे घर बनती है दाल पूड़ी और आलू की पूड़ी, और जो भी आप बना सकते हैं वही सब मतलब बनती है। और आज मैं एक नई रेसिपी बनाऊंगी, आम की चटनी, उसे कलौंजी भी बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, गुरम्मा भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो तो बताना फ्रेंड्स। और अभी मुझे जाना है किचन में और टाइम हो रहा है, अभी 5:30 बज रहे हैं। आज ज़्यादा चीज़ बनेगी इसीलिए हम जल्दी ही खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना हमें चूल्हे पे ही बनानी पड़ती है, तो ज़्यादा टाइम लगती है बनाने में। तो इसीलिए तो आप लोग से बात कर रही थी, तो बच्चे छत पे हल्ला मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे, मैं सीढ़ी पे बैठ के आपसे बात कर रही थी, तो इसीलिए हम इसे म्यूट कर दिए कि बहुत सारा आवाज़ आ रही है। और ये शाम का टाइम है, मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी, सुबह से शूट नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा काम हो रहा था घर में, तो इसीलिए शाम से ही चालू की हुई हूँ कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी, लेकिन ज़रूर दिखाऊंगी। और शाम का टाइम है तो ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ते हैं शाम के टाइम, आपको तो पता है ऑनलाइन क्लास चल रही है, और हम गाँव आ गए हैं तो एक ही मोबाइल में दोनों बच्चे पढ़ते हैं, तो चलते हैं किचन में। देखिए किचन में आने के बाद मैं दाल पूड़ी बनाने के लिए दाल को भी भून के हम रख लिए हैं, और यहाँ पे हम भून रहे हैं आलू को। दाल को हम फ्राई करके उसको रख दिए हैं, और आलू को हम फ्राई कर रहे थे। देखिए मसाले हमारे भून गए हैं, तो देखिए हम बना रहे हैं आम की चटनी। तो देखिए तेल हम डाल दिए थे, वो तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें हम डाले हैं पचफोरन को, और पचफोरन तक जाने के बाद उसमें हम डाल दिए हैं आम को। ये छोटे साइज वाले आम हैं, इसमें अभी गुठली नहीं हुई है, तो उसी को हम बना रहे हैं। इसमें हम मिर्ची 2 डाल दी हूँ, और पचफोरन में तो सौंफ, मंगरेला, जीरा, ये सब खड़े मसाले हम इसमें डाले हैं, उसी से ये बनती है। और इसमें हम थोड़े से गरम मसाला डाल देंगे, और ज़्यादा कुछ मसाला इसमें नहीं डालेंगे हम। और एक मसाला हम भूल गए थे जो कलर के लिए है, कश्मीरी मिर्च मसाला, तो बनाने टाइम में मुझे याद नहीं आया था, तो मैं उसे लास्ट में डाल दी हूँ, आप देख लेंगे। और उसके बाद देखिए हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे चला देंगे और ढक देंगे, और आम की चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे आम जो है सीज गए हैं, और इसमें जो है हम अभी भी गुड़ ऐड कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे स्वाद जो है अच्छी नहीं लगती है, तो पहले इसे हम दूसरे बर्तन में ले लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, और फिर इसे हम गुड़ को थोड़ा सा पकाएंगे। तो देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसे थोड़ी देर हम गुड़ को पहले पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आम को। गुड़ जो है थोड़ा सा पका लेंगे, जो इसमें है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छी ऐसे आप बनाइएगा तो बहुत अच्छी लगती है खाने में गुरम्मा, तो इसी तरह आप भी बनाइएगा। मैं जब भी बनाती हूँ तो ऐसे बनाती हूँ। तो देखिए पर गुड़ को हम चलाएंगे अच्छे से, उसे रान होने देंगे, ज़्यादा रान नहीं होना है, मुझे लड्डू नहीं बनाना है, बस इसे थोड़ी सी इसकी जो
अथी है वही निकालना है। इसे थोड़ी सी गर्म कर लेना है गुड़ को, इससे ना स्वाद अच्छी आती है। तो देखिए ये भी हमारी हो चुकी है, ज़्यादा रान नहीं करना है, हल्की सी ही रान करना है। तो मेरे आंस बार बार आंस आ रहा था, मम्मी बनाओ जल्दी बनाओ, तो हम जो है यहीं तक का वीडियो शूट कर पाए थे, क्योंकि मेरा बेटा का जो है ना होमवर्क बनाना था स्कूल के लिए, तो फिर वो मोबाइल लेके चला जाता है। हम ज़्यादा फिर आलू का जो पूरी था और चना दाल का जो पूरी था उसका वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। हम बोले ठीक है ले जाओ, उसे हम पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए वो हम नहीं दिखाए और बस यहीं तक हम वीडियो शूट कर पाए थे, क्योंकि रात हो गई थी बनाते बनाते, लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनाते बनाते जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है, तो इसीलिए हम नहीं बना पाए थे वीडियो उतना ज़्यादा। तो देखिए खाना मेरी रेडी है बन के, आप लोग भी आके खा लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।